माता बहने परिवार ये सब नारायण का रूप है, और जो नारायण का रूप हो जाते हैं फिर वो भगवान के इसमें लग जाते हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए समस्त नारायण को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको बढ़ चढ़ करके तरक्कियां दे, खुशियां दे, सबके घर में लक्ष्मी प्रदान करे। आइए जय माता दी। सभी साथ संगत को भगवान नारायण जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्राम निवासी, हमारे गांव के सरपंच साहब श्री चरण सिंह जी और हमारे समस्त नौजवान साथी, युवा साथी, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस नारायण जी के मंदिर को चार चांद लगाए। प्रत्येक कार्तिक मास में ये प्रभात फेरियाँ प्रारंभ होती हैं। लगभग मंदिर को बने हुए आज 63 साल हो चुके हैं, और जब से ये मंदिर बना है प्रत्येक ग्राम निवासी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। आज कार्तिक मास की चंद्र पूर्णिमा है, इस चंद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी ने मिलकर के भगवान का भजन कीर्तन किया। लगभग 15 दिन से जो है ये प्रभात फेरी प्रारंभ हो रही है, और मेरा मानना ये है कि इस मंदिर में आकर सबको कुछ ना कुछ जरूर मिला है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी वैसी यहाँ भावना लेकर के जो व्यक्ति आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान लक्ष्मीनारायण जी का ये मंदिर है, लेकिन यहाँ पर महाकाली, भद्रकाली जी भी स्थापित हैं, जो श्रद्धा भावना से प्रत्येक शनिवार को आकर के माँ भगवती की आरती में सम्मिलित होते हैं। जितने भी साध संगत हैं माँ भगवती इनका कल्याण करती है। इसके बाद सत्संग होगा, अभी यज्ञ किया गया है, यज्ञ के बाद सभी माताओं बहनों के द्वारा सत्संग होगा, और उसके बाद भंडारे का आयोजन है जिसमें समस्त ग्राम निवासी सादर आमंत्रित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ कि इतना कीमती समय निकाल करके हमारे मंदिर में हर वर्ष आते हैं, तो सभी मिलकर के एक बार कहिए बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये हमारे पंडित जी दीपक जी बहुत अच्छा कार्य कराते हैं, सभी जनता के मन में कितना धार्मिक विश्वास बढ़ता है, और इस बार में सभी माताएं बहनें पूरा गांव इकट्ठा होकर के ये 15 दिनों से प्रभात फेरी निकाल रहे थे, और आज इसका समापन है जो कि बहुत भव्य है और बहुत ही बढ़िया इन्होंने किया है, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ये ऐसे ही चलता रहे। कार्तिक मास में इसी तरह प्रभात फेरी निकाल करके, और आज चतुर्थी के दिन इसका आज भंडारे के साथ इसका समापन। ये देखिए गांव के सरपंच का कहना है कि हर साल कार्तिक के मास में इसी तरह भंडारा इसी तरह का आयोजन किया जाता है। कौन से हमारे साथ चले बजे, हमारे को देखो कहते कि मातृशक्ति है, और मातृशक्ति है कोई बात नहीं, आपने नारायण जी ने सेवा की है, समस्त जनों ने सेवा की है, और आज नारायण जी के लिए बोलने में कोई हर्ज नहीं है।